बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अशांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। दिन के 2 बजे तक लगभग 34% तक कुल मतदान का प्रतिशत रहा। आज के मतदान को लेकर बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार खुद भगवानपुर प्रखंड के विभिन्न बूथों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। इस मौके पर बेगूसराय के जिलाधिकारी ने कहा कि जिला के भगवानपुर प्रखंड में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 6 पदों के लिए टोटल 216 बूथों पर मतदान हो रहा है। सभी 2 बूथों पर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट फोर्स के साथ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हर पंचायत में 2-2 सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी फोर्स तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार विधि व्यवस्था से निपटने में दिक्कत न हो। इसके साथ 2-3 पंचायत में 1 जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी टैग किए गए हैं। इसके पश्चात पूरे प्रखंड को 2 जोनल में बांटा गया है जिसमें सीनियर पदाधिकारी डीएसपी के साथ तैनात किए गए हैं। ब्लॉक में रिजर्व फोर्स रखा गया है ताकि किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग किया जा सके। साथ ही बाइक की मोबाइल टीम भी रखी गई है जो लगातार भ्रमण कर रही है ताकि किसी व्यक्ति और असामाजिक तत्व किसी प्रकार चुनाव में बाधा न पहुंचा सके। उन्होंने बताया कि हम और एसपी साहब साथ में चुनाव का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल कहीं पर कोई समस्या नहीं है। डीएम ने बताया कि जीतिया को लेकर हम लोग निर्देश दिए हैं कि पहले मतदान महिलाओं से कराया जाए। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता बम कुमार की रिपोर्ट। आज बेगूसराय जिला में अभी केवल आज भगवान इस दूसरे चरण में आज भगवानपुर प्रखंड में ही मतदान हो रहा है। सभी 6 पदों के लिए टोटल 216 बूथ्स हैं और हम लोगों ने सभी हर 2 बूथ पे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हैं फोर्स के साथ। हर जगह पर्याप्त संख्या में हर बूथ पे फोर्स है। हर पंचायत में 2-2 सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी फोर्स के साथ डिप्यूटेड हैं ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या से निपट सकें। 2-3 पंचायत पे जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी टैग किए गए हैं। उसके पश्चात प्रखंड पूरे प्रखंड को 2 सुपर जोनल में बांटा गया है जिसमें सीनियर पदाधिकारी डीएसपी के साथ डिप्यूटेड हैं। ब्लॉक में भी हम लोग रिजर्व फोर्स भी रखे हुए हैं कि आकस्मिकता की स्थिति में उनका भी प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त बाइक की मोबाइल टीम भी रखी गई है, लगातार भ्रमण कर रही है और किसी प्रकार से कोई व्यक्ति सामाजिक तत्व किसी प्रकार से चुनाव बाधित ना कर सके हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग भी रिजर्व फोर्स के साथ मोबाइल हैं, पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं हम और एसपी साहब भी। कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी तक लगभग जो रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है 10% तक मतदान संपन्न हो चुका है। इतने मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है और चूँकि आज जीतिया का पर्व भी है तो महिलाएँ व्रत रखती हैं, इसलिए हम लोग निर्देशित किए हैं कि प्राथमिकता पे महिलाओं का ही पहले मतदान करा लें ताकि वो चली जाए। उसके बाद सर कितने प्रत्याशी